नाचने वाला भी होगा लेकिन पहले सेठ का मूड बन जाए। बिना मूड का ये नाचता है तो कुछ भी ठेका देता है, बोले जा। और जब ये मूड में आए, मस्ती में आए तो वचन देकर चलता हूं व्यास पीठ से। अगर इसका मूड हो तो ये नचाए, अगर आप नाचो तो मांग कर देखना, फिर दिल से एक बार नाच दे। दो दिन से कार्यक्रम कर रहे और हमारे अनेक कलाकार हमारे मेरे प्रियजन हैं, मेरे बड़े अजीज सरदेव श्री जी, मेरे परिवार से महाराज कहाँ चल रहे हो, घर पे जा रहे हो, महाराज बैठ जाओ। ये अमृत बरसेगा अगर एक छिट्टा लग गया किसी के, और बाकी जिसको कोई कार्य है किसी को जाना, उसको मैं मना नहीं कर सकता अपनी जाने, क्योंकि झूमे झूमे री भगत मत वाला बन के श्याम दरबार में अमृत वही पिएगा जो इस पर ठाकुर की कृपा हो। रतन का मौका बार बार नहीं मिलता है, और मैंने सुना है सुरेंद्र भाई जी 50 साल से कीर्तन कर रहे हैं, 50 साल से गन्ना एक के माता पिता और तीनों संतों को, तीनों को देखो भगवान को मिला के और ये आनंद ले रहे हैं, और काफी सुंदर से धाम से ये देखो हमारे भाई। ऐसा है आपसे करवट प्रार्थना है कि घर से निकल गए बापाटा भोजना फिरे संसंग में जा देना ई मास्टर जल्दी से उठन वाले काम मत करो। 5-12 महीना पर पड़ जाली 12 महीना बाद में आ सत्संग उसी ई मास्टर संत समागम हरि के दा तुलसी तुंग में दो सुत धारा और लक्ष्मी पापी के लिए हो जाए। नर्तन पाया जतन करे ऐसा जिसमें भगवान मिले, ऐसी सुंदर देह बंदे फिर नहीं बारंबार मिले। मेरा तो कहना आपसे यही है कि जो आ गया घर से निकल के तो शांति से बैठे रहो, आनंद लो, परमानंद लो। राम जय श्री राम। आज प्रेमियों सिर्फ दिल की बात करूं, पता नहीं क्यों सुरेंद्र जी विचार करके मेरे भजन लिखे थे, सच बोल रहा हूं मैं। और वो कहा गए राजू जी, इनको मैंने कहा था मैं यार ये इलाका में कम आया हुआ हूं, एक बार आया था दो बार आया, यहां आते इसने पता नहीं क्या किसमें एक भी भजन नहीं गा पा रहा हूं। मैं दिमाग में बोल रहा हूं कि क्या करूं, मेरा दोस्त नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा भाई ये चले इसने आते मती घुमाती मेरी, अरे यार क्या सोच कर आया था, कैसे कर दिया तुमने, ये तो बोलता हूँ प्रेमियों ऐसा अजाए भाव तो समझ लेना मेरा ठग है। मेरे दिल भगवान तुम्हारा प्यार मिल जाए, मेरे दिल को अगर भगवान तुम्हारा प्यार मिल जाए, मेरे दिल को अगर भगवान तुम्हारा प्यार।
Thank you.
ولكن يجب ان يكون هناك